रियान, रियान, या, मैंने कर दिया, हो गया, मैंने इजाद कर दिया और अब मुझे एक मशहूर साइंसदान बनने से कोई नहीं रोक सकता, हो गया सब। अबे क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहा है मेरे घर में आके? सीधा सीधा बोल, क्या इजाद कर लिया तूने? ये देख, ये इजाद किया है मैंने। अबे ओ बावले साइंसदान, इसलिए ना पूरा मोहल्ला तुझसे बात नहीं करता है, और मैं तेरा इस दुनिया में वाहिद दोस्त हूं, और तेरी इन सब हरकतों की वजह से ना मैं भी तुझसे दोस्ती खत्म कर दूंगा और तेरा आना जाना अपने घर में बंद कर दूंगा। ये टीवी का रिमोट है। हाँ बताए, ये एक रिमोट है और तुझे भी यही लगेगा कि ये एक रिमोट है, और जो देखेगा उसे भी यही लगेगा कि ये एक रिमोट है। अबे ओ जाहिल, ये टीवी का रिमोट है तो सबको टीवी का रिमोट ही लगेगा ना, हवाई जहाज का थोड़ी। अच्छा सुन, वैसे तो ये एक सिंपल रिमोट है, लेकिन मैंने इसके अंदर एक फ्यूचर ऐड किया हुआ है जिसमें आप जाके टाइम ट्रैवल कर सकते हो। भाई तू क्या बोल रहा है, तू ठीक से बोल। देख इसमें 1 से 9 तक की काउंटिंग लिखी हुई है, तू जो भी बटन दबाएगा उतने मिनट पीछे चला जाएगा। तो भाई इस तरह की कोई चीज नहीं होती, जा यहां से, पकड़ से जा। ठीक है, तुझे मतलब भाई पे यकीन नहीं है ना, तो ठीक है मुझे यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ, तकरीबन 2 मिनट हो गए होंगे, तू 2 का बटन दबा और फिर देख। रियान, रियान, या, मैंने कर दिया, हो गया, मैंने इजाद कर दिया और अब मुझे एक मशहूर साइंसदान बनने से कोई नहीं रोक सकता, हो गया सब। अबे क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहा है? हाँ मुझे पता है, तूने टीवी के रिमोट के अंदर एक फीचर इजाद किया है जिसके जरिए हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक की गिनती में हम 9 मिनट तक पीछे जा सकते हैं। ये बता आगे क्यों नहीं जा सकते? यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन 1 मिनट, रिमोट के बारे में तुझे कैसे पता चला? क्योंकि 2 मिनट पहले तू मेरे पास आया था और तूने अपनी इस इजाद के बारे में मुझे बताया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। यही वो रिमोट है ना, अब मुझे यकीन आ गया। अच्छा ला मेरा रिमोट दे, मुझे जाके और भी काम करने। यार ये रिमोट एक दिन मेरे पास छोड़ दे। चल ठीक है, वैसे ही मुझे इसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और कल दुनिया के साइंसदानों के सामने इसको दिखाना है, और अब मुझे मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। बेगम, बेगम, हाँ बोलो, क्यों बुला रहे थे? चाय तो पिला दो। अच्छा ठीक है, सुनो। हाँ कहो। मैं जरा मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, अल्लाह की अमान हो, जाओ, सबको मेरा सलाम कहना। तुम तो हर वक्त जान ही छुड़ाने के लिए बैठे रहते हो मुझसे। यार ये जाना चाह रही है, मैंने इजाजत दे दी जाने की, बावजूद मुंह बना के चली गई। काश की कोई ऐसी चीज होती जिससे मैं इसको ठीक कर सकता। आइडिया, रिमाइंड करता हूँ और जवाब चेंज करके देखता हूँ। हाँ बोलो, क्यों बुला रहे थे? चाय तो पिला दो। अच्छा ठीक है, सुनो। हाँ कहो। मैं जरा मायके जाना चाहती हूँ। आज मत जाओ, ये रुक जाओ मेरे पास, किसी और दिन चले जाना। तुम तो हर वक्त मुझे इस घर में कैद रखना चाहते हो। हाँ बोलो, क्यों बुला रहे थे? चाय तो पिला दो। अच्छा ठीक है, सुनो। हाँ कहो। मैं जरा मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। हैं? यानी मैं मायके इसलिए जा रही हूँ कि आपकी और मेरी वहां पर मुलाकात तय है, मुझे कुछ आराम चाहिए इसलिए वहां जा रही हूँ। हर इल्म, आलिम, बशर, जिन्नात, भूत, नबातात और सारी जमादात इस बात से कासिर हैं कि कोई ऐसा जवाब ला सके जिससे बीवी राजी हो सके, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा जवाब है
जिससे बीवी राजी हो जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो ये वीडियो अपनी बीवी को जरूर टैग कीजिएगा और उससे कहिएगा इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी के बटन दबाना मत भूलिए।